उसका क्या होता है नुकसान। तो आपका काम है जो बच्चे आज नहीं आए थे उनको कल बता देना कि हमको ये घड़ियां बता दी थी। तो प्यारे बच्चों अभी अगला महीना कौन सा आने वाला है, अगस्त में क्या करते हैं हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त में क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। 2 साल से हम लोग खुद बंद थे लॉकडाउन में, तो हम बड़े प्रोग्राम लेकर सके। तो अभी आपका वक्त मैं ज्यादा नहीं लूंगा। आप जानते हैं कि हमें मालूमात कहाँ से मिलती है, नॉलेज कहाँ से मिलता है, ज्ञान कहाँ से मिलता है, इल्म कहाँ से मिलता है, किताबों से मिलता है, उस्ताद से मिलता है। तो ये मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, इसमें फोटो दिखाई दे आपको कि किसकी फोटो है, घड़ी है, घड़ी चली गई है अभी, बच्चे है, तिरंगा है, आजादी के बारे में इसमें जो है फोटो दी गई है, परिंदे उड़ रहे हैं। तो ये भारतीय जो है भारत सरकार का रूप कर्म है, जिसमें बच्चों के लिए कहानियां है, कार्टून है, लतीफे है, जनरल नॉलेज है, मालूमात की चीज दी गई है और सब रंगीन में है। अभी 15 अगस्त आने वाला है, आपसे कहा जाएगा कि तकरीर पेश कीजिए, तकरीर लिखिए, कोई नज्म बताइए, कोई कहानी बताइए। तो इस तरह से जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है, जिस तरह से आपकी किताबें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, इसी तरह ये जो है भारत सरकार का है। 64 पेज का रंगीन है। खास तौर से पालक लोग सुन लिए, जो सरपंच तो सुन लीजिए, 10 रुपए की कीमत है। कितनी कीमत है, 10 रुपए में क्या मिलता है आपको बाजार में, चिप्स के पैकेट, समोसा और क्या खाते आप लोग। तो आप कोई हर महीने आता है, औरंगाबाद शहर के नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इसका, 5 लाख बच्चों ने रिसाला खरीदा। कितना, औरंगाबाद शहर के नाम पर विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज भी 50,000 बच्चे पढ़ते हैं इसको। कितने पढ़ते हैं, तो इसकी कीमत कितनी है, फक्त 10 रुपए। आपको हर महीने मैं वालदेन से गुजारिश करता हूँ, आपके बच्चों के नॉलेज के लिए आप हक खरीदते हैं तो आप पाबंदी से हर महीने जो है 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ये आपको जो है पहले महीने स्कूल में मिल जाएगा। बाकी जो दुकान है, इधर एक दुकान है, उधर एक खाली दुकान है, आपको दुकानों में मिलेगा ये आपको कोई सख्ती नहीं है, आपको लेना है तो लीजिए, आपका फायदा होगा। स्कूल की तरफ से कोई आपको पाबंदी नहीं है कि लो बोल के, इसका फायदा आपका यही है कि आपके बच्चों को बहुत मालूमात मिल रही है, शेर शायरी की मालूमात है, कार्टून की मालूमात है, जनरल नॉलेज है। इस साल हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और पूरे देश में 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, इसलिए भारत सरकार ने इस वर्ष एक नया प्रोग्राम जाहिर किया है, घर घर तिरंगा, हर घर पर तिरंगा। इस मुनासिबत से हमने भी रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से एक कोशिश की है कि घर घर किताब, हर घर में किताब, जिसमें ये रहेगा कि आज़ादी पर, स्वतंत्र संग्राम पर जो मवाद है, जो योगदान रहा है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मालूमात हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल स्कूल जाए और बच्चों को किताबें पहुंचाएं। इस माध्यम से घर घर में किताब जाएंगी और स्वतंत्र संग्राम के बारे में, आज़ादी के बारे में हमारे बच्चों को मालूमात होंगी। ये हमारी कोशिश है, हमने कई सैकड़ों किताबें बच्चों को फ्री भी बांटी है और कुछ बच्चे खरीदते हुए ले रहे हैं। ये इस तरह से हमारा उपक्रम है जो अभी 15 अगस्त तक चलने वाला है पूरे औरंगाबाद शहर के स्कूलों में, और हज़ारों बच्चे इससे फ़ायदा उठाएंगे और लोगों को मालूमात दूंगी। मैं मिर्ज़ा अब्दुल कय्यूम नदवी, रीड एंड लीड फाउंडेशन औरंगाबाद।